नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बलिया से राजकुमार सिंह की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। पति पत्नी की हुई पिटाई, मामला पहुंचा थाने। मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा में निकासी गांव के रहने वाले पति पत्नी के साथ घटना घटी है। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित का इस विषय पर क्या कुछ कहना है और क्या पूरा मामला है, आइए सुनते हैं। रहने वाले हैं नगरा तिलकारी के। क्या घटना घटी है, क्या मामला है? सर, ये 4 मार्च 2020 को हम अपने मैडम को लेकर ससुराल गए थे, तो वहाँ के कुछ लोगों ने उनके साथ छेड़खानी कर दिया था। तो वहाँ रिपोर्ट थाने में हम मतलब कि एप्लीकेशन लिए। उसके बाद 5 मार्च को हम लोग दिए तो वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो फिर हम लोग कप्तान सर के पास आए, तो यहाँ से वो बोले तो वहाँ जाके एफ आई आर लिखाया गया। तो एफ आई आर लिखाने के बाद ये हम लोगों को जान से मारने की कि केस वापस ले लो, जान के मारने की धमकी लोग देने लगे। अब उसके बाद से जब देते गए तब हम लोगों ने लेटर ऊपर तक भेजा गया कि सर हमारे जान माल की, इसमें प्रशासन मान लीजिए उनसे कुछ पैसा लेकर नगर थाने के लोग जो प्रशासन है वो हम लोगों को हड़काते रहे। जब थाने में हम लोग जाते थे तो मार गाली वाली देते थे मैडम को, माँ को, हमको। तो हम लोग फिर अब उसी के चक्कर में सर बताइए कल हमको मार दिए ये लोग। हम लोग फिर प्रशासन गए, प्रशासन उल्टा उन लोगों की तरफ से कुछ नहीं कि हम ही लोगों को गाली वाली दे के हम लोगों का चलान कर दिया कि हम रसड़ा है फिर जमानत कराए। कल की कितने बजे घटना है? कल सर 11:30 बजे की घटना है। कहाँ गए थे? ससुराल गया था सर मैं अपने। कहाँ पर ससुराल है? सर ये निकासी। जिस समय आपको घटना घटी उस समय कौन कौन लोग थे? सर अखिलेश। आपके साथ कौन? मैं था सर, ये हमारे साले साहब थे। आपकी पत्नी भी? हाँ। किनको चोट लगी है? सर हमको भी लगी है थोड़ा बहुत, उनको भी लगी है। माताजी को लगी है पत्नी को? हाँ हल्का फुल्का। इसको लेकर आपने पुलिस को आपने पूछा? जी क्या चीज हुआ? पुलिस आई? हाँ पुलिस आई, तो फिर हम एक लोगों को पकड़ के लाई और किसी को पकड़ी नहीं। तब तक उधर से उन लोग भी आए, फिर पैसा रुपये प्रशासन खाली। उसके बाद से हम ही लोगों को गाली गलौज देने करे अच्छा किए हो। अब ये लोग भी फंसेंगे तो समझ में आएगा प्रशासन सर उन लोगों के फुल सपोर्ट में है। जी जी, कितने लोग थे आपको मारने वाले? 7 लोग थे सर। जी जी, 7 लोग थे। जी आपके कहने में तात्पर्य है तो आपके द्वारा आपने थाने पर तहरीर दिया इसके लोग? जी थाने पर तहरीर दिया है। हाँ इस घटना की? हाँ एक मैंने घटना हमारे साथ कभी हुई उसके साथ थाने पर हम तहरीर दिए, एसपी सर के पास दिए हैं सर, मुख्यमंत्री सर के पास भेजा था मैं उस चीज़ को। कोई कार्रवाई अभी हुई नहीं? FIR हो गया सर, मतलब कि मुकदमा दर्ज हो गया, फिर भी उन लोगों को प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर रही है। जाती है झूठ मूठ पूछ के फिर चली आती है। कल वाले के मामले में कुछ मुकदमा दर्ज किए कल के मामले में? नहीं सर। कब किस दर्ज हो गया है? पहले जो छेड़खानी का था उसका सर। सॉरी, कल जो आपके साथ घटना घटी कल को लेकर उसने कोई पहल पुलिस की तरफ की गई कि नहीं की? सर की गई 107, 116, 151 में हम लोगों का चलान कर दी सर। आपको नहीं? हाँ उन लोगों को भी साथ में भेजी थी। हाँ आप क्या चाहते हैं सर? हम तो मेडिकल ओपन किया आपने तुझे दी? नहीं सर, पुलिस से हम कहे कि हमारा कागज़ दे दो, यहाँ के लिए रेफर किया गया था सर, वो हमको कागज़ भी नहीं दिए मेडिकल कराने के लिए। फिर सर हम लोगों को आप लोगों मीडिया का आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है सर। क्या क्या हाँ क्या चाहते हैं सर? हम चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो। क्या कहना चाहते हैं बताइए सर? हम तो यही चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे देशवासियों से कि हमारे साथ मतलब हमारा सहयोग करें। जी हाँ, अगर आपकी आगे कार्रवाई नहीं होती तो आगे आप क्या करेंगे? सर हमारे आगे कार्रवाई नहीं करी होगी सर, हम अपने आप को आत्मदाह कर लेंगे, हम अपने आप को जला के फूंक देंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी सर।